ये देखिए फ्रेंड्स, ये है मेरा करी पत्ता और ये बहुत बड़ा हो रहा है और इसकी जो शेप है डी शेप हुआ पड़ा है, क्योंकि बंदर ने इसको यहाँ से, ये देखिए यहाँ पे जो ब्रांच थी इसकी, जो मेन ब्रांच थी वो बहुत ऊंची गई हुई थी और इसको तोड़ दिया और ये डी शेप हो गया। ये वहाँ से वहाँ गया हुआ है और ये इधर से इधर जा रहा है, तो इसकी जो शेप है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं हो रही है। बट क्योंकि ग्रीनरी चाहिए मुझे गार्डन में, तो मैं इसे रखे रखती हूँ ऐसे ही। और अब देखिए जैसे बाहर का मौसम आ चुका है और ये इसमें जो सीड्स हैं वो आ रहे हैं, लेकिन मुझे सीड्स नहीं चाहिए। तो आप क्या करें कि आप इन सीड्स को, अगर आपको सीड्स चाहिए, ये देखिए नीचे अगर आप देखें तो करी पत्ता की पूरी भरमार हुई पड़ी है। मेरे पास कम से कम 20 प्लांट इसमें हैं और मुझे नहीं चाहिए, और मेरे क्या मैं, क्योंकि मेरे पास इतनी जगह नहीं है और अब मुझे सीड्स तो बिल्कुल नहीं चाहिए इसके। ये देखिए क्योंकि प्लांट्स ही ऑलरेडी मेरे पास बहुत सारे हैं, तो मैं इनका क्या करूँगी अब। ये देखिए जब कोई भी प्लांट सीड्स बनाता है तो उसकी एनर्जी जो है वो उसमें चली जाती है, और अब मैं ये करूँगी कि इसको, इसके जो सीड्स होते हैं उनको, ये देखिए मैं काट दूँगी। ये देखिए ये जो सीज़र ली मैंने और ये मैंने कट कर दिया, और जितने भी सीड आएंगे इसके मैं सब कट कर दूँगी क्योंकि मुझे सीड्स नहीं चाहिए। अगर सीड्स को, इसको टाइम देगा सीड्स के लिए तो इसकी एनर्जी जो है वो कम हो जाएगी, और क्योंकि अगर आपको सीड्स चाहिए तो आप बना लीजिए। इसकी हर ब्रांच में आपको देखेंगे इसमें सीड्स बन रहे हैं काले, इसमें एक जैसे नीम की निबौली होती है वैसे ही इसमें आती है, बट इसमें क्या आएगा कि इसमें ब्लैक कलर के आएंगे, वो येलो कलर की होती है, इसमें ब्लैक कलर की होती है। तो सेम ये भी मीठा नीम होता है, वो कड़वा नीम होता है, बस यही फ़र्क होता है। इसको खाया जाता है, खाया उसे भी जाता है, बट वो कड़वा होता है। बस आप इसके यही कीजिए, अगर आपको सीड्स चाहिए तो आप ये रख लीजिए, नहीं चाहिए, आपको जो प्लांट की ग्रोथ चाहिए तो आप इस चीज़ को बिल्कुल कट कर दीजिए, जैसे कि मैं कट कर रही हूँ। मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए इसके सीड्स, मैं परेशान हो गई हूँ, इतने सारे प्लांट्स मैं कहाँ पर रखूँ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, इसलिए मैं ये कट कर देती हूँ। ये देखिए ये कट कर दिया मैंने और सारे सीड्स इसके हटा दिए हैं। तो ऐसे ही करके मैं ये सारे सीड्स हटा दूँगी, इधर भी दिखाई दे रहे हैं आपको, उधर भी दिखाई दे रहे होंगे, सब टॉप पर जो है ये सीड्स हो रहे हैं। उधर देखिए ये कितने सारे सीड्स इसमें हो रहे हैं, आपको मैं जूम करके दिखाती हूँ थोड़ा। ये देखिए आपको ये दिख रहे होंगे, ये जो है ये सारे सीड्स हैं और ये बस मुझे हटाने हैं इसके। यही काम आज मैं कर रही हूँ इसमें, तो सोचा कि वीडियो आपसे शेयर कर लूँ। तो फ्रेंड्स मेरी ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ। कुछ सीखो, कुछ सिखाओ, लेकिन पौधे ज़रूर लगाओ।